हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहास क्रिएशन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हिना एप्लीकेटर, जो कि आपने काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा। और ये एप्लीकेटर ऑनलाइन भी मिलता है, बट ऑनलाइन ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। जितना इसका कॉस्ट नहीं है उससे ज़्यादा कॉस्टली है, और आई थिंक सो ये आउट ऑफ इंडिया भी मिलता है, इसलिए काफ़ी लोग इसे नहीं ख़रीद पाते। तो हम इसे आज घर पे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको ऐसी फेविक ग्लू बॉटल, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए इस टाइप की सीरिंज, जो कि मेडिकल में मिल जाएगी। सीरिंज का कलर जो है आप वो ग्रे कलर की ही लें, क्योंकि पिंक और ग्रीन कलर की जो सीरिंज है उससे मेहंदी पास नहीं हो पाती। उसके बाद आपको इस निडल को आगे से जो इसका शार्प पार्ट है उसको हम कट करेंगे, और कट करने के बाद आप नेल कटर से कट कर सकते हैं इसको इजीली। और उसके बाद हमारी जो ग्लू बॉटल है उसका भी जो फ्रंट पार्ट है हम उसे कट कर देंगे। आप बिल्कुल एंड से कट ना करें, स्टार्टिंग का पार्ट ही हम इसका कट करेंगे। कट करने के बाद हम जो कट करने के बाद आपको इक्वली कट करना है इसे। और उसके बाद बॉटल का जो साइड का पार्ट है उसे भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि जो ये निडल है निडल लगाने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको साइड से हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। ध्यान से कट करना है इसे हमें, काफ़ी ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और मोटा रखेंगे तो सीरीज नहीं आ पाएगी। अब इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा फेविक्विक, ताकि जो मेहंदी है वो बाहर ना आए। उसके बाद हम लेंगे मेहंदी का पेस्ट और बॉटल के अंदर फिल कर देंगे। मेहंदी का पेस्ट आप थोड़ा सा पतला बनाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा काढ़ा रहेगा तो वो निडल से निकलेगा नहीं। मेहंदी आपको पाइपिंग बैग में डाल के ही फिल करनी है। फिल करने के बाद थोड़ा सा इसको टैप टैप करेंगे, ताकि जो मेहंदी है अंदर तक फिल हो जाए। क्लोज़ करेंगे ढक्कन। क्लोज़ करने के बाद जो है हमारा हिना एप्लीकेटर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे कि ये चल रहा है अच्छे से या नहीं। आपको फर्स्टली दोनों, जैसे हम मेहंदी का कोन पकड़ते हैं वैसे हम इसे नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा आपको ऐसा फोल्ड करके इसे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर देना, विदाउट प्रेशर के आपके मेहंदी नहीं निकलेगी। मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा आपको, कम प्रेशर से मेहंदी नहीं निकल पाएगी, इसलिए हम इसलिए इसे फोल्ड करके पकड़ेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये काफ़ी स्मूथली डिज़ाइन बन रही है, और आप इस तरह से अपना हिना एप्लीकेटर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।